दोस्तों आपने बहुत सारी पिक्चर्स में, बहुत सारी इमेज में ऐसा देखा होगा कि उस इमेज के बॉटम में या फिर टॉप कॉर्नर में एक वाटरमार्क लगा रहता है। उस वाटरमार्क में लिखा हुआ रहता है कि किस मोबाइल से शूट किया गया है और किसने शूट किया है, यानी कि जैसे कि Xiaomi के डिवाइस से शूट किया गया है तो वहाँ पे MI का एक आपको लोगो मिल जाएगा, वहाँ लिखा होगा शॉट ऑन। जैसे कि Redmi Note 4 से शॉट किया जाए तो शॉट ऑन Redmi Note 4 बाय जिसने शॉट किया है। जैसे कि अगर मैंने वो पिक्चर लिया है तो वहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा, MI का लोगो मिल जाएगा और वहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा शॉट ऑन Redmi Note 4 बाय सुधांशु रॉय। तो ऐसा ही करके आप अपना भी वाटरमार्क बना सकते हैं और बहुत ही इजीली वे में बना सकते हैं। आप जो ही पिक्चर क्लिक कीजिएगा उसके साथ आपका वाटरमार्क आ जाएगा आपके नाम के साथ, और साथ ही आप जिस मोबाइल से शूट कर रहे हैं उसके ब्रांड और लोगो के साथ। और इतना ही नहीं, आपने पहले से भी कोई पिक्चर्स क्लिक करके रखा हुआ है, पहले से भी कुछ शॉर्ट्स लेके आपने रखा हुआ है तो उन सारे शॉर्ट्स में भी अपना वाटरमार्क ऐड कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, रॉय इनसाइक्लोपीडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सुधांशु रॉय और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे आप किसी भी पिक्चर को लेते समय या फिर पहले से भी पिक्चर लेके रखे हुए हैं तो उसमें अपना वाटरमार्क ऐड कर सकते हैं, मोबाइल का ब्रांड, लोगो और अपना नाम, जो कि देखने में बहुत ही यूनिक लगता है। और गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करें ताकि हम आगे भी आपके लिए अच्छी वीडियो बना सकें, और इस वीडियो को शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए हम चलते हैं अपने मोबाइल पे और देखते हैं कि आखिर कैसे किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल रॉय एनसाइक्लोपीडिया को और इस बेल आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। सो गाइस, यहाँ पे अभी मैं दो बातें बताने वाला हूँ। पहला तो ये कि आप इमेज को कैप्चर करते वक्त कैसे वाटरमार्क ऐड करेंगे, यानी कि आप अगर इमेज को कैप्चर कर रहे हैं कि कैसे आपका और आपके मोबाइल के ब्रांड का वाटरमार्क ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा इमेज कैप्चर करने वक्त। और दूसरी बात तो ये कि अगर कोई इमेज आप पहले से गैलरी में रखे हुए हैं जो कि आपने पहले से शॉर्ट करके पहले से कैप्चर कर रखा हुआ है तो उस पर आप कैसे अपने नाम का और अपने मोबाइल के नाम का वाटरमार्क लगाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इमेज को कैप्चर करने वक्त कैसे, तो उसके लिए हमें एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे कि मैं Xiaomi का फोन यूज कर रहा हूँ तो उसके लिए मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा शॉट ऑन MI करके एप्लीकेशन। तो गाइज, यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाला है, तो पहले तो मैं इसे देख लेता हूँ। तो शॉट ऑन MI ये एप्लीकेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो ये रहा हमारा एप्लीकेशन शॉट ऑन MI फ्री इमेज वाटरमार्क, और यहाँ यहाँ कैमरा लिखा हुआ है। ये कैमरा करके एप्लीकेशन जो आता है ये है ऑटोमेटिकली कैप्चर करने वक्त वाटरमार्क लगाने के लिए, और इसकी साइज भी आप देख सकते हैं सिर्फ 9.3 MB की है और रेटिंग भी इसको 4.4 की मिली हुई है। चलिए मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। सो गाइज, यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि क्योंकि मेरा Xiaomi का फोन है इसलिए मैं शॉट ऑन MI करके डाउनलोड कर रहा हूँ एप्लीकेशन, बट आपका जिस भी कंपनी का फोन हो तो सारे कंपनी के फोन के लिए, सारे ब्रांड्स के लिए एक चीज सेम रहेगा कि आपको स्टार्टिंग में शॉट ऑन लगाना है। उसके बाद जिस भी कंपनी का आपका फोन, जैसे कि मेरा मोटोरोला का एक और है तो मैं यहाँ टाइप करता हूँ मोटोरोला, तो आप देख सकते हैं कि मोटोरोला करके भी एप्लीकेशन है, तो मोटोरोला के लिए अलग एप्लीकेशन प्रेजेंट है। इसका भी साइज 9.3 MB का ही है, यानी कि जितना भी एप्लीकेशन आपको मिलेगा शॉर्ट ऑन करके किसी भी ब्रांड के लिए हो, सैमसंग के लिए, मोटोरोला के लिए, फिर वन प्लस के लिए हो, सबका साइज सेम है सिर्फ और सिर्फ 9.3 MB का, बस अलग अलग ब्रांड के लिए अलग अलग एप्लीकेशन प्रेजेंट है। और मैं आपको एक जरूरी बात और बता दूं कि आपके पास कोई ऐसा स्मार्टफोन है जिसके ब्रांड का एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे मौजूद नहीं है, यानी कि प्रेजेंट नहीं है प्ले स्टोर पे शॉर्ट ऑन करके, जैसे कि एक्लेट का एग्जांपल है, शॉर्ट ऑन एक्लेट प्ले स्टोर पे प्रेजेंट नहीं है, तो उसके लिए आपको कोई भी एक ब्रांड का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। आप चाहे तो मोटोरोला का या फिर वन प्लस का या फिर Xiaomi का, जिसका भी चाहे कर लीजिए, एक ही एप्लीकेशन से आपका सारा काम हो जाएगा। और ये चीज मैं आपको आगे बताने वाला हूँ वीडियो में कैसे आप करेंगे। बट अगर आपके स्मार्टफोन ब्रांड के एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे प्रेजेंट है, चाहे मोटोरोला का हो, सैमसंग का हो, Xiaomi का हो, वन प्लस का हो, तो उसे आप डाउनलोड कर लीजिए, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। तो हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है, अब चलिए मैं इसे ओपन करता हूँ। यहाँ से आपका जो भी परमिशन मांगेगा उसे अलाउ कर दीजिए, तो मैं इसे ऑन कर देता हूँ एंड देन बैक अलाउ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। अब जैसे कि ये Xiaomi का एप्लीकेशन है तो सबसे पहले हमें यहाँ से लोगो चेंज करना है। तो मैं जो आपको बता रहा था कि अगर आपके पास कोई ऐसा ब्रांड का फोन है जिसका एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे प्रेजेंट नहीं है तो किसी एक एप्लीकेशन से भी आपका सारा काम हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इस एप्लीकेशन में बहुत सारे स्मार्टफोन ब्रांड का लोगो दिया हुआ है, यानी कि आप डिफरेंट डिफरेंट स्मार्टफोन ब्रांड का यहाँ से एक ही एप्लीकेशन से यूज कर सकते हैं फोटो लेने वक्त किसी भी स्मार्टफोन में। तो मैं यहाँ से MI को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसे बैक कर लेता हूँ। तो लोगो मेरा सिलेक्ट हो गया, अब यहाँ से शॉट ऑन कर रहा है, तो यहाँ पे मुझे
अपना मॉडल सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मॉडल तो मेरा यही है MI Note 4, इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे भी मैं एक बात और बता दूँ कि जैसे कि आपका स्मार्टफोन एक्लेट वगैरह का है, तो जैसे कि ये Xiaomi के लिए MI का एप्लीकेशन है, तो यहाँ से Xiaomi के फोन के ब्रांड्स है, तो आप यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करके जिस भी फोन का नाम डाल के यहाँ से सेव कीजिएगा, वो ऐड हो जाएगा और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो खैर मेरा स्मार्टफोन ब्रांड ये तो नहीं है, तो मैं Note 4 फिर से वापस से सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो मैंने Note 4 सेलेक्ट कर लिया है बैक। अब यहाँ पे सॉर्ट बाय, तो यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है जो कि आपको वहाँ पे निकलाया जाएगा। तो यहाँ से योर नेम को कैंसिल कर लेना है और मैं यहाँ पर नाम डाल लेता हूँ सुधांशु रॉय, एंड देन इसे ओके कर देना है। तो यहाँ पे हमने सारी सेटिंग्स कर लिए लगभग, और उसके नीचे आपको एक एडवांस का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप इस पर क्लिक करके ये सेट कर सकते हैं कि आपको वो वाटरमार्क कहाँ लगाना है, लेफ्ट बॉटम में, लेफ्ट टॉप में, या फिर राइट बॉटम में, कहाँ पे आपको उस वाटरमार्क को लगाना है, स्टैम्प का साइज क्या रखना है, लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज, और यहाँ से आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा लार्ज में आपको कुछ ऐसा शो करेगा, तो मैं बैक कर लेता हूँ और इसे लार्ज ही कर देता हूँ, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइज है, और मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप अपना फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो नाम और ब्रांड का नाम लिखा होगा वो किस फॉन्ट में होगा, तो मुझे तो यही पसंद है तो मैं इसे ओके कर लेता हूँ। सो गाइज आपका एप्लीकेशन सेट हो चुका है। अब आपको एक बात का ध्यान हमेशा रखना है कि या तो आप यहाँ से कैमरा में जाके अपने फ़ोन के कैमरा से शॉट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली अपने फ़ोन का कैमरा खोल के ही कुछ भी शॉट करना चाहते हैं, कोई पिक्चर लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हमेशा इस एप्लीकेशन को बैकग्राउंड में रखना जरूरी है। अगर आप इस एप्लीकेशन को बैकग्राउंड से हटा देंगे तो वो वाटरमार्क वहाँ पर नहीं लगाएगा। तो आप एक काम कर सकते हैं कि इस एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं, तो आप अगर क्लियर भी कीजिएगा अपने बैकग्राउंड के एप्लीकेशन, तो ये एप्लीकेशन नहीं जाएगा। तो चलिए अब अपने कैमरा में चलते हैं और एक शॉट लेके मैं आपको दिखलाता हूँ। सो मैं कैमरा अपना ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास एक टैटू है, तो मैं इसका ही पिक्चर लेने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मैं इसका पिक्चर लेता हूँ, फोकस एंड क्लिक। अब देख सकते हैं मैंने पिक्चर क्लिक कर लिया है, और यहाँ एडेड स्टैम्प सक्सेसफुली का नोटिफिकेशन आ गया। चलिए मैं अपना इमेज यहाँ से चेक कर लेता हूँ। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ नीचे कॉर्नर पे मेरे नाम का वाटरमार्क आ चुका है, जो कि मैंने सेट किया था MI का लोगो, Redmi Note 4 और सुधांशु राजा मैंने नाम लिखा था, तो वो वाटरमार्क यहाँ पे आ चुका है। तो ऐसे ही आप अपना भी वाटरमार्क लगा के यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है ये। लास्ट में मैं आपको कुछ और शॉर्ट्स दिखाऊंगा, बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं सेकेंड टॉपिक की, जो कि है कि अगर आपने गैलरी में पहले से पिक्चर लेकर रखा हुआ है तो उसके लिए क्या करना है। तो चलिए मैं इसको साइड करता हूँ। तो उसके लिए मैं वापस से प्ले स्टोर में चलता हूँ, और वापस से मुझे यहाँ सर्च करना पड़ेगा SHOT शॉर्ट ऑन MI। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, आपके पास जिस भी ब्रांड का स्मार्टफोन है उस ब्रांड के लिए आप सर्च कर लीजिए, शॉर्ट ऑन सैमसंग, शॉर्ट ऑन मोटोरोला, जो भी आपको मिल जाएगा। और नहीं है तो फिर आप, मैंने आपको बताया कैसे काम चलाना है। तो उसके लिए एक गैलरी करके एप्लीकेशन, वो कैमरा करके था, ये गैलरी करके है, इसका भी साइज सेम है और रेटिंग 4.4 की है। तो चलिए मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ, मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है। सो गाइज यहाँ पे भी आपको सेम चीज करना है, आपका जो स्मार्टफोन ब्रांड का लोगो है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। मैंने MI को सेलेक्ट कर लिया है। शॉर्ट ऑन किससे स्मार्टफोन से शॉर्ट किया जा रहा है उसको सेलेक्ट कर लेना है, तो मैं तो Mi Note 4, जो कि मेरा Note 4 है, उसके लिए सेलेक्ट किया है। और आपको शॉर्ट बाय सुधांशु राय, मतलब कि जो प्रोसेस आपको मैंने पहले बताया था कि आप लाइव स्टैंप कैसे लगा सकते हैं, यानी कि फोटो लेने वक्त कैसे स्टैंप लगा सकते हैं, वही सेम प्रोसेस आपको यहाँ सारा कुछ सेटिंग कर लेना है। और आपको यहाँ से डायरेक्टली गैलरी में जाना है। अब गैलरी में जाने के बाद आप कोई भी एक पिक्चर पिक कर लीजिए, सब कुछ कीजिए कि मैं ये पिक्चर पिक कर लेता हूँ, और यहाँ से इसको मैं चेक क्लिक करता हूँ सेलेक्ट और डन। तो आप देख सकते हैं कि स्टैम्प एडेड सक्सेसफुली, तो उस पिक्चर पे स्टैम्प ऐड हो चुका है और ये आपकी गैलरी में भी सेव हो गया। आप चाहे तो यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो स्टैम्प इमेज को मैं चेक करता हूँ फ्रॉम गैलरी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे नाम का वाटरमार्क लग चुका है, और ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है क्योंकि ये फोटो डाउनलोड किया हुआ है और मैंने पहले से भी कुछ इमेज पे वाटरमार्क लगाई हुई थी। तो आप देख सकते हैं कि ये वो इमेज है जिसमें मैंने पहले से लगाया था, तो ये कैमरा से शॉट किया गया था। तो इन सारी इमेज पे सक्सेसफुली स्टैम्प लग चुका है और काफ़ी अच्छा ये लग रहा है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है, आप अपने नाम का वाटरमार्क लगा सकते हैं अपने फोटो के साथ, चाहे वो पहले से आपने कैप्चर करके रखा हो या फिर आप कैमरा से कैप्चर कर रहे हो। तो चलिए अब कुछ पिक्चर्स देख लेते हैं जिन पे मैंने कैप्चर करने वक्त या फिर इमेज पे स्टैम्प लगा के रखा हुआ है, तो देखने में कैसा लगता है। जाते मीठा मीठा गम दे गया, जाने अनजाने उसी
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। कैसे कैसे होते हैं ये देखो दिल वाले, धीरे से उड़ाते हैं ये आंखों की उजाले।